हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड यू आर वाचिंग सीसीसी क्रिएटिव क्राफ्ट्स एंड कुकिंग बाय प्रिया। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ घर पर दानेदार बिल्कुल सफेद घी आप कैसे बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा तरीका मैंने आज शेयर किया है आप लोगों के साथ, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। इसमें बिल्कुल भी छानस नहीं निकलने वाली है, ना ही इसमें कुछ वेस्टेज होने वाली है। जो घी निकालने के टाइम पर मिल्क बचता है उसका भी हमने यूटिलाइजेशन किया है। कैसे यूटिलाइज किया है उसको भी इस वीडियो में आगे जरूर देखें। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो, बट उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो एक लाइक का बटन जरूर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, मेरे पास 7 डेज की मलाई थी जिसको मैंने फ्रीज में स्टोर किया हुआ था। फ्रीज में से निकालने के बाद जस्ट मैंने इसको मिक्सर ग्राइंड किया है। कैसे किया है अभी आगे बताती हूँ आपको। और मिक्सर ग्राइंड करने के बाद आप देख सकते हैं कि इसमें निकल गया है अच्छा खासा मक्खन। तो आप मक्खन की थिकनेस देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा मक्खन निकला है और वो भी बहुत ही कम मलाई से। तो इस तरीके से जो भी हम मिक्सर ग्राइंड करते हैं, सबसे पहली बात तो हम इसके अंदर मिक्सर ग्राइंडर का यूज़ कर रहे हैं, मथनी का यूज़ नहीं कर रहे हैं। मिक्सर ग्राइंडर से आप देखेंगे कि आपको 2-3 मिनट्स भी नहीं लगेंगे और आपका मक्खन निकल कर रेडी हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको प्रेस करते हुए सारा मक्खन निकाल लेना है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि जो ये दूध इसमें बच जाता है, जैसे कि हम मक्खन निकालते हैं, तो इसको भी आपको फेंकना बिल्कुल नहीं है। इसका कैसे यूज़ कर सकते हैं वीडियो में आगे बताऊँगी, बट उसका वीडियो बाद में शेयर करूँगी। तो इस मिल्क को रख देते हैं अभी एक साइड में। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे पास इस तरीके से मलाई थी। आधी मलाई का मैं मक्खन निकाल चुकी हूँ आप लोगों के सामने, और आधी मलाई का मक्खन अब मैं आपको निकाल कर दिखाती हूँ। फ्रीज में से डायरेक्ट मैंने इसको निकाला है और इस तरीके से आपको इसको डाल देना है मिक्सर जार में। आपको अलग से इसे फ्रीज़र में स्टोर कभी मत कीजिए, केवल फ्रीज में स्टोर करते जाइए और ढककर रख दीजिए। जब मलाई आपकी थोड़ी हो जाए तब उसके बाद आपको इसे फ्रीज में से डायरेक्ट निकालना है, मिक्सिंग जार में डालना है। साथ ही में ऐड करना है आपको थोड़ा सा ठंडा पानी। अब जैसे कि मौसम इस टाइम ना तो ज़्यादा गर्म है और ना ही ज़्यादा ठंडा है, तो इस टाइम पर आपका जो घी है वो बहुत ही अच्छी तरीके से निकल आता है। केवल 2-3 मिनट्स लगते हैं और आप देखेंगे कि इस मलाई से मक्खन कितने आराम से निकल आएगा। ध्यान रखिएगा कि आपको ठंडे पानी का ही यूज़ करना है। एक बार चर्न करने के बाद आप इसको देख सकते हैं अभी मलाई की फॉर्म में आ गया है। तो इस तरीके से पहले ये मलाई में कन्वर्ट होता है, इस टाइप का क्रीमी टेक्सचर हो जाता है। उसके बाद अगर आपको ज़रूरत लगती है तो थोड़ा सा ठंडा पानी और ऐड कर दीजिए। नॉर्मल पानी ऐड ना करें, ठंडा पानी ऐड करेंगे तो मक्खन जल्दी निकल आता है। तो इस तरीके से जितनी रिक्वायरमेंट थी उतना मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। अब आप देख सकते हैं कि मक्खन कितना बढ़िया आपका निकल कर रेडी है। जस्ट लुक एट दिस, मक्खन आपका बिल्कुल निकल चुका है। अब इसके अंदर से जो भी हमने पानी डाला था वो इस तरीके से दूध की फॉर्म में हो जाता है और मक्खन कुछ इस तरीके से निकल आता है। बिल्कुल भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिंपली इस तरीके से आपको मिक्सिंग जार में डालना है और आपका मक्खन बिल्कुल रेडी है। तो इस तरीके से इसमें से मैं सारा का सारा मक्खन निकाल लूँगी, उसके बाद दिखाती हूँ आपको आगे का प्रोसीजर। तो आशा कर रही हूँ कि आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपके राइट हैंड साइड में है ये सब्सक्राइब बटन, इस पर क्लिक कीजिए तो यहाँ पर आ जाएगा लिखा हुआ सब्सक्राइब्ड, और यहाँ पर है ये बेल आइकॉन, अगर आप इसको प्रेस करते हैं तो जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगी उसका मैसेज सबसे पहले आप तक पहुँचेगा और आप मेरे वीडियोस को देख पाएंगे। सो प्लीज़ कमेंट्स एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। तो जब मक्खन निकलकर रेडी हो गया है तो इसमें से निकला है इतना सारा ये मिल्क। इसको रख देते हैं एक साइड में, फेंकेंगे बिल्कुल भी नहीं। दूसरी साइड में हम इस घी को, जिस भी आपको बर्तन में बनाना है, मैंने यहाँ पर कढ़ाई ली है, कढ़ाई में इस मक्खन को डालकर हमने लो टू मीडियम फ्लेम पर इसको रख दिया है। आपको इसे चलाते रहना है बीच बीच में, और जब आप देखें कि इसके अंदर झाग बनने स्टार्ट हो जाएं, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं, तो आप इसको चलाते रहिए ताकि आपका जो मक्खन है वो कढ़ाई की तली में ना चिपके। अदरवाइज इसमें वेस्टेज भी ज़्यादा होगी और आपके घी का टेस्ट भी ख़राब हो सकता है। तो इस तरीके से आपको इसे चलाते रहना है और आप फिर देखेंगे कि इसके अंदर इस तरीके से हल्के हल्के से घी निकलना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम इसको चलाते रहेंगे बीच बीच में, और अभी जो आप देख सकते हैं कि इसमें जो मिल्क निकला था वो मैंने एक साइड में रख दिया है। उस मिल्क से मैंने बनाया है पनीर। अगर आप उसकी रेसिपी जानना चाहते हैं कि आप मिल्क का जो कि आप फेंकने वाले थे, वेस्टेज थी, उससे भी आपने पनीर बना लिया है, आप देख सकते हैं। अगर आप इसकी भी रेसिपी जानना चाहते हैं तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। साथ ही साथ जो इसका मिक्सर जार है
हमने जिसमें मक्खन निकाला था वो काफ़ी गंदा हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं उसकी क्लीनिंग भी आपके साथ शो करूं, तो ये मिक्सिंग जार की क्लीनिंग, आप मिल्क से मक्खन या पनीर कैसे निकाल सकते हैं, ये सब कुछ मैं आपको शेयर करूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में जब आप लोगों की रिक्वेस्ट आएगी। तो अब आप देख सकते हैं कि इसमें से घी निकलना स्टार्ट हो गया है, बिल्कुल वाइट कलर की फॉर्म में है, इसमें झाग छोड़ने इसने स्टार्ट कर दिए हैं। तो इसको हल्के हल्के चलाते रहिए। अभी आप देख सकते हैं इसमें छानस बिल्कुल भी नहीं निकल रही है। तो इस प्रोसीजर को अगर आप फॉलो करते हैं तो छानस बिल्कुल नहीं निकलेगी, साथ ही साथ आपका घी बनेगा दानेदार और बिल्कुल सफ़ेद। तो इस तरीके से जब इसमें झाग लगने स्टार्ट हो जाएँ तब आप इसकी फ्लेम कर दीजिए लो और इसको इस तरीके से चलाते रहिए। जब आप इसे चलाते रहेंगे तब आप देखेंगे कि सारा का सारा घी उस मक्खन में से एक्सट्रैक्ट हो जाएगा और आपका घी बनकर बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं इसे चलाती जा रही हूँ और अब आप देख सकते हैं कि घी बनकर बिल्कुल रेडी है। अब इस स्टेज पर मैंने फ्लेम कर दी है ऑफ और आप देख सकते हैं कि घी बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। जब हम इसे ठंडा होने के लिए रखते हैं जो इसके अंदर थोड़े बहुत छोटे मोटे कण होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। अब आप देख सकते हैं जब घी ठंडा हो गया है तो मैंने यहाँ पर लिया है कांच का जार जिसको मैंने अच्छे से धोकर सुखा लिया है, पानी बिल्कुल भी ना हो इस जार के अंदर। फिर आप इस घी को इस जार के अंदर फिल करके रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ इस स्टील की छलनी का ताकि इसके अंदर जो भी थोड़ा बहुत छानस निकलती है अगर वो है तो इस छलनी में रह जाए। आप देख सकते हैं इसमें छानस बिल्कुल भी नहीं निकली है, बिल्कुल ना के बराबर निकली है। जब आप लोग घी निकालते हैं तब आप देखते हैं उसके अंदर घी से ज़्यादा तो आपकी छानस ही निकल आती है, बट इस प्रोसीजर को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप देख सकते हैं बिल्कुल इतनी सी छानस इसके अंदर निकली है। तो ये बिल्कुल ना के बराबर ही है, वेस्टेज बिल्कुल भी नहीं है। और इस छानस को जो निकली है इसका भी आप यूज़ कर सकते हैं, वैसे तो बहुत ही कम है बट अगर आप चाहें तो पराठा बनाने में इसका यूज़ कर सकते हैं, वेस्ट बिल्कुल भी नहीं होगी और खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है। तो अब आप देख सकते हैं जब मैंने इसको घी को 7 से 8 घंटे के लिए रख दिया था तब उसके बाद ये घी बिल्कुल दानेदार हो गया है। वाइट कलर जो इसमें आया है दैट इज़ ऑसम, बहुत ही परफेक्ट बना है घी, टेस्ट भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और जो ये वाइट कलर है ये देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप ध्यान रखिए सही टाइम पर फ्लेम को ऑफ कर दीजिए, अदरवाइज आपका घी वाइट की जगह येलो भी हो सकता है। तो आशा करती हूँ आपको मेरा आज का वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आपको बचे हुए मिल्क से पनीर कैसे बनाएं, आप देख सकते हैं उस मिल्क से मैंने इतना सारा पनीर बनाया है। अगर आप इसकी भी रेसिपी जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, साथ ही साथ मिक्सिंग जार को क्लीन करने की भी रेसिपी ज़रूर बताऊँगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड यस डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।